लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या आपके बच्चे मूडी हैं, क्या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, क्या बच्चे आपसे डरते हैं, क्या आपके बच्चे घर में खुश नहीं रहते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। इस पे हमने आज एक वीडियो बनाया है, तो किस तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल करें, उनका ख्याल रखें, उनका हेल्थ का भी ख्याल रखें। तो आइए शुरू करते हैं। किसी बात के लिए नाराज़गी दिखाना या किसी बात पर गुस्सा करना एक अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति के द्वारा तब की जाती है जब उसके अनुसार कुछ कार्य नहीं हो रहा हो। ये अभिव्यक्ति बड़ा हो या कोई बच्चा भी दे सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे नाराज़ रहना, गुस्सा व्यक्त करना या बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है, तब ऐसे में ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। बच्चा खेलता कूदता हो या छोटी छोटी शरारतें करता हो, इन सबको देखकर माता पिता को अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर बच्चा खेलकूद की उम्र में गुस्सा करना शुरू कर दे और बात बात पर मुंह फुलाकर बैठे रहे, तो ये व्यवहार माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाता है। बहुत सारे माता पिता उम्र के साथ अपने बच्चे के व्यवहार में जब बदलाव देखते हैं तब वो चिंतित रहने लगते हैं, लेकिन इस दौरान आपको शांत रहते हुए अपने बच्चे का बर्ताव को अच्छी तरह समझकर उसे ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। तो एक ऐसा है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, संडे नहीं बिताते हैं या हफ्ते में एक दिन नहीं बिताते हैं या सुबह शाम बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, तो आज से वो चालू कर दें। अगर बिताएंगे तो बच्चों का स्वभाव में थोड़ा चेंज आएगा। माता पिता बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करने पर उनके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। अपने बच्चे के पालन पोषण में आप उनको ज़्यादा समय दें। कोई माता पिता के साथ समय बिताना बच्चों को खुश करता है। जब आप अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी समस्याओं को आसानी से समझ पाते हैं। एक दूसरा उपाय है, बच्चों को डायरी लिखने को कहें। बच्चे आजकल ज़्यादा स्मार्ट हैं पहले के मुकाबले। जिन बच्चों को अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में डर लगता है, उन्हें लिखकर अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने रोते हुए बच्चे को एक डायरी रखने के लिए कहें, क्योंकि उससे उन्हें तनाव से उभरने में मदद मिलेगी। आप डायरी नहीं तो नोटबुक दे सकते हैं, लेकिन जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वो डायरी पे या नोटबुक पे लिख के निकाल सकता है। घर में बच्चे को सुरक्षित माहौल और खुशनुमा माहौल दें। घर में ऐसा माहौल बनाए रखें जहां बच्चे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से खुद को अपने जो भी उनको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। इसलिए घर में एक खुशी से भरपूर व सुरक्षित माहौल बनाए रखने का प्रयास करें। जब आप अपने बच्चे को निराश देखते हैं या उनका मूड उदास होता है, तो उसे खुश रखने का प्रयास करें। तनाव को कम से कम रखने की कोशिश करें। बच्चे का अगर कोई तनाव है तो जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपका बच्चा किसी भी तनाव में तो नहीं है। बच्चे की पढ़ाई खेलने के समय तो तय करें। इसके अलावा बच्चे पर ज़्यादा गुस्सा माँ बाप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके ऊपर तनाव बढ़ सकता है। साथ ही अपने बच्चे की तुलना दूसरों से बच्चों से कभी नहीं करना चाहिए। देखो तू तो फेल हो गया, वो देख इतने नंबर लेके आया, तू इतना नंबर लेके आया। ये बातें बच्चों पर निगेटिव असर डालती हैं और बच्चे को गिराती हैं दूसरे के सामने। इसलिए ऐसा कभी शो नहीं करना चाहिए कि तू कम पढ़ रहा है, कम मार्क्स ला रहा है, वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। उसको उसकी पहले प्रॉब्लम समझो,
बाद में रास्ता निकालो, ऐसा मेरा मानना है। जब भी कोई आपका बच्चा गलती करता है या फिर परेशान करता है तो अपने बच्चे के प्रति अधिक कठोर व्यवहार ना करें। अब ये हो सकता है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, आप उस पर कठोर व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चा बिगड़ सकता है। यदि आप देखते हैं कि बिना किसी कारण के नाराज हो रहा है, तो उन्हें अनदेखा कर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया यानी ओवर रिएक्ट ना करें। अपने बच्चे को उचित पोषण दें, यानी उसका बच्चे का जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे खाएंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जिन बच्चों में पोषण की कमी होती है वे अक्सर अलग तरह के बर्ताव करते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को उचित पोषण प्रदान करें। अपने बच्चे का स्वास्थ्य पौष्टिक आहार खिलाएं और इस बात का ध्यान रखें कि उनकी डाइट में मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए जरूरी पोषक तत्व शामिल हो। यदि आपके बच्चे में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो अपने डॉक्टर से बात करें और अपने बच्चे के भोजन में बदलाव कर सकते हैं। एक ऐसा भी बोलना चाहूँगा, बच्चों के लिए विटामिन बी और फैटी एसिड ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यदि बच्चे में विटामिन बी की कमी है तो उससे बच्चे के मूड पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हैं। अगर कुछ आप और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इन टिप्स को अपना कर आप अपने बच्चे के चिड़चिड़ेपन को आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारा लाइक करें, वीडियो और शेयर करें। धन्यवाद।